जिन लोगों का जन्मदिन 4 मई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन का आपको लाभ होगा, करियर में इस वर्ष में धीरे धीरे आपको सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा, परिवार में विवादों की नौबत आ सकती है। क्या करेंगे, पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। संतान की प्राप्ति के लिए किस तरह के पौधे लगाने चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए जमीन पर फैलने वाले फलों के या सब्जियों के पौधे लगाएं जो लता में फैलते हैं। इसमें कद्दू का पौधा लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और जब आप कद्दू का पौधा लगाएं, वो फैले, उसमें कद्दू का फल हो, तो उस फल का प्रयोग जरूर करें। संतान प्राप्ति के लिए जमीन पर फैलने वाली बेल और लता लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। आप अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, क्या करेंगे? रात के समय 5 बादाम पानी में भिगा दीजिए और इनको सुबह चबा चबा कर गुनगुने दूध के साथ ग्रहण करिए। अगर आप ऐसा नित्य प्रातः करें तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपकी याददाश्त तेज होगी। शुक्रवार के दिन वैवाहिक जीवन में विवादों से बचने का प्रयास करिए। वैसे तो हमेशा ही विवादों से बचने का प्रयास करें, लेकिन शुक्रवार के दिन विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में विवादों से बचें, अन्यथा ये विवाद जल्दी समाप्त नहीं होंगे, बेवजह का तनाव बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।